हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित है, जिसे मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस वीडियो में मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताऊंगा, जिसे देखने आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए और किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक लॉ डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में एग्जांपल्स तो पुराने दिए गए हैं, लेकिन ये लॉज आज के जमाने में भी पूरी तरह लागू होते हैं। एग्जांपल्स को देखकर आपको लगेगा कि ये लॉज कुछ अनैतिक हैं, लेकिन अनैतिक लोगों के साथ अनैतिकता से ही निपटना पड़ता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए उसे कौरवों से लड़ना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत में युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और इन सभी लॉज को प्रैक्टिकली फॉलो कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। लॉ 1, अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस न दिखाए। Law number 148 Laws of Power Animated Book Summary in Hindi Part 1। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर है। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित न करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। पहला लॉ समझाने के लिए लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें फ्रांस के राजा लुई 14 का उदाहरण दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लुई 14 17वीं शताब्दी में फ्रांस के राजा थे और उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था निकोला फूके, जिसने राजा को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक बहुत शानदार पार्टी आयोजित की, जिस पर उसने बहुत खर्च किया। लुई 14 ने उसे सरकारी खजाना ज्यादा खर्च करने के जुर्म में जेल में डाल दिया। राजा को इम्प्रेस करने के कारण निकोला फूके को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। अपने मास्टर्स को सदा ये महसूस कराए कि वो आपसे बेहतर और प्रतिभाशाली है, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को करेंगे। लॉ 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास न करें, शत्रुओं का इस्तेमाल करना सीखें। लॉ नंबर 248 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। अपने दोस्तों से बचकर रहे, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्त आसानी से ईर्ष्या से भर जाते हैं। आपको आगे बढ़ता देखकर वो बिगड़ सकते हैं और अत्याचारी बन सकते हैं। बाइजेंटाइन राज्य के राजा माइकल 3 को बसिलियस द्वारा मौत के मुंह से बचाया गया था। इसके बदले में माइकल ने बसिलियस को बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिए। बसिलियस की ताकत और बहादुरी देखकर राजा माइकल बहुत प्रभावित हुआ और उसने बसिलियस को घोड़ों के प्रशिक्षक से अस्तबल का मुखिया बना दिया। बालिलियस को बाइजेंटाइन के सबसे अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग दी गई और उसे एक सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान बनाया गया। बसिलियस ज्यादा अथॉरिटी और पावर चाहता था, इसलिए उसने माइकल को मार दिया। दरअसल, आपको अपने शत्रुओं से ज्यादा अपने दोस्तों से डरने की जरूरत है। किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि लोग खुदगर्ज हैं और हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं। आपके पुराने प्रतियोगी दोस्तों की तुलना में ज्यादा अच्छे और वफादार दोस्त बन सकते हैं। लॉ 3, अपने उद्देश्यों को छुपाएं। लॉ नंबर 348 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। लोगों को अपने काम के इरादे कभी न बताएं। आपके काम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, किसी से न बताएं। आप हमेशा अपने इरादे लोगों से छुपा कर रखें। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं, जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं और हमारे अगेंस्ट कोई प्लान बना सकते हैं। मार्क्वस द 7 एक लेडी से प्यार करते थे, जिसके सामने उन्होंने अपनी सॉरी फीलिंग्स बता दी और नतीजा ये हुआ कि उस लेडी का मार्क्वस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं, किसी से न बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को ये पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादों को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लॉ 4, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। लॉ नंबर 448 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सारी कमजोरियां पता चलेंगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं।
जब आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही आप साधारण लगते हैं। इस लॉ का उदाहरण है प्राचीन रोम का एक योद्धा और नेता कीज मासियस कोरिएलेनस, जिसने रोम के लिए बहुत बार जंग लड़ी। कोरिएलेनस उस समय का हीरो था और लोग उसे दिल से चाहते थे। कोरिएलेनस ने 17 साल मिलिट्री में काम करने के बाद राजनीति में कदम रखा। उस समय रोम में जनतंत्र था और वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वह भाषण में बहुत बोलता था और अपनी वीरता और देशभक्ति दिखाने के लिए जंग के किस्से सुनाता था। इससे लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन चुनाव के दिन लोगों ने उसे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ देखा गया। उसने आम लोगों को नजरअंदाज किया और अपने प्रतियोगियों का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उसे ज्यादा वोट नहीं मिले। ज्यादा बोलने के कारण उसने जनतंत्र का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से रोम में दंगे हो गए। ये सब उसके ज्यादा बोलने की वजह से हुआ। तो दोस्तों, ये है ज्यादा बोलने के नुकसान, इसलिए हमें ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहते हैं लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहने से लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। लॉ 5 रेप्यूटेशन यानी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसे हमेशा संभल कर रखें। लॉ नंबर 5, 48 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। दोस्तों, प्रतिष्ठा ही आपकी शक्ति का आधार है। प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को जीत सकते हैं और भयभीत कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अर्विन रोमल अपनी अच्छी गनिंग स्किल के लिए जाने जाते थे, जिससे शत्रु उनका सामना करने से डरते थे और लड़ने के लिए पहले ही डेमोरलाइज हो जाते थे। आपकी रेप्यूटेशन यानी प्रतिष्ठा आपसे पहले आती है, मतलब लोग आपको आपकी रेप्यूटेशन से जानते हैं। दोस्तों, शुरू में आपको किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इससे आप लोगों से अलग दिखाई देंगे और लोग आपके बारे में बात करेंगे। इसे ध्यान से बनाएं और हमेशा बचाकर रखें, खास तौर पर तब जब आप पहली बार अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हो, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी और आपसे जलने वाले लोग आपकी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लॉ 6, किसी भी कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। लॉ नंबर 6, 48 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि लोग किसी भी चीज को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती। अपने आप को भीड़ में शामिल न करें, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों, आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। पैब्लो पिकासो स्पेन के एक मशहूर पेंटर और मूर्तिकार थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाएं। पिकासो या तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे या बहुत बुरी यानी अगली पेंटिंग बनाते थे, क्योंकि उनका ना था कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। दोस्तों, ध्यान आकर्षित करने की कला किसी में भी जन्म से नहीं होती, यह आपको सीखनी होगी। आपको अपनी एक ऐसी छवि बनानी होगी जिससे आप दूसरों से अलग दिखाई दे, आपका नाम और प्रतिष्ठा उस छवि से जुड़ जाए। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा। आपकी छवि चाहे अच्छी हो या बुरी, लेकिन एक बार आपकी छवि बन गई तो आप लोगों की नजरों में रहेंगे और हमेशा उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। ठीक ऐसा ही किया था पैब्लो पिकासो ने। दोस्तों, पावरफुल बनने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की नजरों में रहे और सदा उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके रखें। लॉ 7, दूसरों से काम लेना सीखें। लॉ नंबर 7-48 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। थॉमस एडिसन, जो कि ना सिर्फ एक साइंटिस्ट बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, एडिसन ने निकोलस टेस्ला की कंपनी को अपने जनरेटर में सुधार करने का काम दिया। निकोला टेस्ला ने पूरे एक साल तक एडिसन के जनरेटर पर काम किया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। निकोला टेस्ला के काम का सारा क्रेडिट एडिसन की कंपनी को मिला। एडिसन ने ये काम करने के लिए निकोला टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए, ना ही उसे अपने काम का कोई क्रेडिट मिला। टेस्ला ने रेडियो भी बनाया था, लेकिन रेडियो बनाने का सारा क्रेडिट मार्कोनी को मिला। टेस्ला ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए और वैज्ञानिक तौर पर काम किए, लेकिन उन्हें उन कार्यों का क्रेडिट कभी नहीं मिला, ना ही उन्हें अपने कार्य के पूरे पैसे मिले। निकोला टेस्ला की कहानी से हमें पता चलता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप दूसरों से काम लेना सीखें और ऐसे लोगों को हायर करें जो वो काम जानते हैं जो आप नहीं कर सकते। लॉ 8, दूसरों को अपनी तरफ लाने का प्लान बनाएं, जरूरत पड़ने पर बेट यानी चारे का इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 8, 48 लॉज ऑफ पावर एनिमेटेड बुक समरी इन हिंदी पार्ट 1। जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए फोर्स करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। जब आप अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई तरकीब बनाते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। इस लॉ के उदाहरण है ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एक ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ थे।
उन्होंने कहा था कि जब वह हिरण को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं तो कभी पहले हिरनी को गोली नहीं मारते बल्कि पूरे झुंड के आने का इंतजार करते हैं। अपने दुश्मन को अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करने को मजबूर करें, उन्हें शानदार लाभ होने का लालच दें और अपनी ओर आकर्षित करें और फिर उस पर आक्रमण करें। दोस्तों, शक्ति का मतलब है लोगों को अपने नियंत्रण में रखना और उनसे अपनी चाल पर प्रतिक्रिया करवाना। जब आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सारा नियंत्रण आपके हाथ में होता है और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है, वही शक्तिशाली होता है। लॉ 9, दूसरों को अपने काम से जीते अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं। Law No. 9 to 48 Laws of Power Animated Book Summary in Hindi Part 1। प्राचीन रोम के जनरल मुशिनस को जंग लड़ने के लिए मजबूत शस्त्र चाहिए था। उसने अपने इंजीनियर को जंग के लिए एक मजबूत जहाज बनाने के लिए कहा। मुशिनस के इंजीनियर ने जहाज का कोई और डिजाइन बनाने की सलाह दी। इंजीनियर ने मुशिनस के साथ जहाज के डिजाइन पर तर्क वितर्क किया। इसका नतीजा ये हुआ कि मुशिनस ने इंजीनियर को मौत की सजा सुनाई। दोस्तों, यहाँ इंजीनियर अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, लेकिन अपने बॉस की बात का अनादर करने की वजह से वह मारा गया। कहने का मतलब यह है कि आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस की परवाह नहीं करते कि आप सही है या गलत, वो तो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्ग्यूमेंट्स या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं और अपने काम से उनका दिल जीतने की कोशिश करें, ना कि अपने शब्दों से। Law 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। Law No. 10 to 48 Laws of Power Animated Book Summary in Hindi Part 1। लोला मोंटेज ने बवेरिया के राजा को मोहित करके उसके राज्य का पतन कर दिया। कामयाब और शक्तिशाली लोगों को अपने वश में करके उन्हें बर्बाद करना ही उसका लक्ष्य था। लोला मोंटेज की अराजकता और बर्बादी की चाहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोला मोंटेज के स्वभाव के कारण बहुत सी जिंदगियां खत्म हो गई। जो भी लोग उसके संपर्क में आए वह या तो बर्बाद हो गए, मर गए या फिर उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रकार का संक्रामक चरित्र केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी इस प्रकार संक्रामक होते हैं। ऐसा संक्रामक चरित्र किसी भी व्यक्ति के अंदर की अस्थिरता को दर्शाता है। जब यह अस्थिरता बाहर निकलती है तो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। संक्रामक चरित्र वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहना चाहिए और उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए। अगर आप दुखी और बदकिस्मत लोगों के संपर्क में रहेंगे या उनकी मदद करेंगे तो आप भी उनके साथ बर्बाद हो जाएंगे। Law 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। Law No. 11 to 48 Laws of Power Animated Book Summary in Hindi Part 1। दोस्तों, लॉ 11 ये कहता है लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें, इससे उनकी नजरों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, इस लॉस के उदाहरण थे जर्मनी के एक बेहद ताकतवर नेता और राजनीतिज्ञ ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखने की ताकत को जानते थे। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक कमजोर राजा ढूंढा, फ्रेडरिक विलियम एव, जो कि प्रशिक्षक का राजा था। बिस्मार्क ने राजा को अपने ऊपर पूरी तरह भर कर लिया, राज्य में अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि राज्य में जो काम वह कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का भाई गद्दी पर बैठा और वह भी सभी मुख्य कार्यों के लिए बिस्मार्क पर निर्भर था। राज्य के सभी मुख्य कार्य बिस्मार्क पर निर्भर होने के कारण राज्य में उसकी अहमियत सबसे अधिक थी। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। Law 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। Law No. 12 to 48 Laws of Power Animated Book Summary in Hindi Part 1। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। ये लॉ कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे तो आप जैसे चाहे उसे धोखा दे सकते हैं या हेराफेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा कवच को भेद सकती है। इसका उदाहरण है काउंट विक्टर लस्टेक, जिन्होंने अल कैपोन से $50,000 लिए और यह वादा किया कि वे 60 दिन में उसे डबल कर देंगे। लस्टेक ने उस रकम को डबल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की और 60 दिन बाद में $50,000 वापस लेकर के कैपोन के पास आ गए। कैपोन अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन लस्टेक की ईमानदारी देखकर कैपोन ने उन्हें $5,000 दे दिए। इस तरह ईमानदारी से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।